कि आप भी कंफ्यूज होते हैं जब बच्चे स्कूल से आते हैं कि उन्हें इवनिंग स्नैक्स में क्या दिया जाए या फिर आफ्टर स्कूल स्नैक्स क्या दिया जाए जो बनाने में इजी भी हो, हेल्दी भी हो और एक ऐसा डिश जिसे खाने के बाद बच्चों का टमी डिनर टाइम तक फुल रहे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं शेयर करती हूँ 3 ऐसी रेसिपी जिसे मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ आफ्टर स्कूल स्नैक। सबसे पहले हम बना लेते हैं बहुत ही चटपटीदार और मजेदार सा स्वीट पोटैटो चाट। जैसा कि हम सबको पता है कि स्वीट पोटैटो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बच्चों के डाइट के साथ साथ हमें भी स्वीट पोटैटो को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 बड़े साइज के स्वीट पोटैटो को बॉईल कर लिया और उसके छिलके उतार लिए हैं। अगर आप चाहें तो स्वीट पोटैटो को ओवन में बेक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस स्वीट पोटैटो को हम बाइट साइज में कट कर लेते हैं और मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे गैस पर मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया और उस पर डाला है 1 बड़ा चम्मच घी। घी की जगह आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं और इस पर हमें डाल देना है स्वीट पोटैटो को। स्वीट पोटैटो को हमें यहाँ पे कुक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्वीट पोटैटो कुक हो चुकी है। सिर्फ इसका हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए जिससे ये बहुत ही मजेदार सी और क्रिस्पी सी लगे। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रिस्पी वाले पसंद आते हैं तो यहाँ पे आप स्वीट पोटैटो को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे डीप फ्राई नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाएगा। तो जब स्वीट पोटैटो में हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए तब हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ट्रांसफर कर देना है एक दूसरे बोल में। और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब हमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला हुआ है बारीक कटा हुआ हरा प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर। चटपटा सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैं चटनी यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला हुआ है खट्टी मीठी चटनी, उसके बाद हरी वाली चटनी। इन सारी चटनी को आप पहले से बना के स्टोर करके रख सकते हैं और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही मजेदार की चटनी बनती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्पाइसेस में डाला हुआ है थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। सारे स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हरी मिर्च ना यूज करते हुए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपको हरी मिर्च यूज करना है तो भी यूज कर सकते हैं। क्रंच के लिए रोस्टेड पीनट, रोस्टेड पीनट भी बहुत ही हेल्दी होती है, इसे भी हमें अपने डाइट में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। ये देखिए सारी चीजों को मैंने मिला दिया है और उसके बाद लास्ट में मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा जीरा पाउडर। हल्के हाथों से इसे फिर से हमें मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा स्वीट पोटैटो चाट भी बन के रेडी हो गया। सारी प्रिपरेशन अगर हम पहले से कर लेंगे जैसे कि स्वीट पोटैटो को बॉईल करके, चटनी पहले से बना के, तो फटाफट जब बच्चे घर पे आते हैं तो इस तरीके से हम उनके लिए एक हेल्दी सा चाट बना सकते हैं इवनिंग के लिए। थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ मैं फिर से हरी धनिया टमाटर के साथ में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अनार के साथ में भी गार्निश कर सकते हैं। और हल्का सा मैंने इसमें भुजिया भी डाल दिया है। और ये देखिए बहुत ही चटपटेदार सा मजेदार सा हमारा स्वीट पोटैटो चाट बन के रेडी हो गया है जो खाने में बहुत ही मजेदार है और हेल्दी भी है। तो चलिए अब बना लेते हैं एक बहुत ही मजेदार सा फुल ऑफ प्रोटीन बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक्स। मूंग दाल चीला तो हमने सबने खाया है, लेकिन मूंग दाल वॉफल हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए जिससे बच्चे इसे बहुत ही आराम से एंजॉय करें। तो इसके लिए हमें चाहिए पीली वाली मूंग दाल या फिर आप हरी वाली मूंग दाल का भी यूज कर सकते हैं स्प्राउट करके, या फिर दोनों का मिक्स भी यूज कर सकते हैं। पर्सनली अगर मुझे कहा जाए तो हेल्थ वाइज हरी वाली मूंग दाल को अगर स्प्राउट करके हम यूज करेंगे तो वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है, लेकिन अगर टेस्ट वाइज कहा जाए तो पीली वाली मूंग दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और इसे सोक करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से पीली वाली मूंग दाल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास था अभी हरी वाली मूंग दाल का स्प्राउट। तो चलिए अभी से हम स्मूथ पीस लेते हैं। पानी का यूज मत करिएगा, अगर आपकी दाल नहीं पिस रही तो वहाँ पे आप भले 1 या 2 बड़ा चम्मच पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें पानी का यूज करने से। तो देख सकते हैं मूंग दाल अच्छे से पिस चुकी है, यहाँ पे मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अगर आप चाहें तो हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा बारीक घिसा हुआ अदरक। इसके अलावा 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो चलिए अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने वॉफल पैन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है और जब तक हमारा वॉफल पैन प्रीहीट हो रहा है तो चलिए अब इसे बहुत ही लाइट और फ्लफी सा बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इनो। और जैसे ही हम इनो डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा बैटर है वो एकदम से लाइट हो चुका है। और ये देखिए वॉफल पैन भी हमारा प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे ऑयल से ग्रीस कर देते हैं और इस पे डालते हैं 1 स्पून फुल ऑफ बैटर।
और इसे हमें वॉफल पैन में कुक करना है लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। और अगर आपके पास इस तरीके से वॉफल पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे हम तवे में भी बना सकते हैं जिस तरीके से हम चीला बनाते हैं। तो 8 से 10 मिनट लगभग हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही बेहतरीन सा मूंग दाल वॉफल बनकर रेडी हो गया है, जो हेल्दी होने के साथ साथ डिलीशियस भी है, और इसे हम इंजॉय करेंगे अपने मनपसंद चटनी के साथ में। चलिए अब मैं शेयर करती हूँ कैसी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है, ना तो दाल को सोक करके रखना, ना तो कुछ बॉईल करना, और इसे हम मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में और इवनिंग स्नैक्स किसी टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, इवन हमारी होल फैमिली का फेवरेट है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप चावल का आटा, जिसे मैंने डाल दिया है 2 से 3 बड़ा चम्मच सूजी के बाद मैंने इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, अगर आपके पास हरी धनिया है तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी धनिया भी डाल सकते हैं, साथ में थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च, अगर काली मिर्च नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें पानी के साथ में एक पतला सा घोल तैयार कर लेना है। बेसिकली घोल इतना पतला रहेगा जिस तरीके से हमारा बटर मिल्क यानी कि जो छाछ रहता है उसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तो चलिए अब चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए गैस पर मैंने तवा को गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही तवा गर्म हो जाए तब यहाँ पर मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब उसके बाद गर्म तवे पर हमें डाल देना है हमारा घोल। तो जैसे ही हम गर्म तवे में घोल डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जाली के तरीके का बन रहा है। अगर बड़ी जाली बन गई तो उस गैप में आप थोड़ा सा घोल और डाल दें और उसे कुछ देर पकने दें। अगर आप चाहे तो ढक के भी पका सकते हैं, अगर आपको सॉफ्ट चाहिए, अगर क्रिस्पी चाहिए तो बिना ढके हुए भी आप इसे बना सकते हैं। किनारों पर जैसे ही पैन छोड़ना स्टार्ट कर दे हमारा चीला तो फिर से हम ऑयल डाल देते हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे फ्लिप कर देते हैं और कुछ सेकंड के लिए फिर से दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। ये बेसिकली रवा डोसा के जैसा ही रेसिपी है, लेकिन यहाँ पे हमने मैदा बिल्कुल भी यूज नहीं किया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्विक रेसिपी है और ये छत्तीसगढ़ का फेमस डिश है। तो इसी तरह से बाकी के बचे हुए घोल से भी मैं और चीले बना लेती हूँ, और इस गर्मा गर्म चीले को हम इंजॉय कर सकते हैं अपने मनपसंद चटनी के साथ में। बेसिकली इसे इंजॉय हम करते हैं टमाटर की फ्रेश पिसी हुई चटनी के साथ में। होप सो तीनों इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले। साथ में मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रेसिपीज के आइडियाज, बच्चों के एक्टिविटीज और उनके हेल्थ के टिप्स जो बींग ए पेरेंट्स हमें जानना जरूरी है।